दोस्तों पहली बार मुंबई इंडियंस की टीम में मिली जगह है, तो इमोशनल होते हुए अर्जुन तेंदुलकर ने रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर के लिए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सच में आप भी भावुक हो जाएंगे। तो आखिरकार क्या दिया है अर्जुन तेंदुलकर ने बयान, दिखाएंगे उनके बयान का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वानखेड़े के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला गया। आपको बता दें खेले के इस मुकाबले में सबसे खास रही अर्जुन तेंदुलकर की एंट्री। जी हां, आपको बता दें रोहित शर्मा ने इस मुकाबले से ठीक पहले अर्जुन तेंदुलकर को कैप देकर उन्हें मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल किया। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अर्जुन तेंदुलकर प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। उन्होंने इस मुकाबले में दो ओवर की गेंदबाजी भी की जहां उन्होंने 17 रन देकर एक भी सफलता हासिल नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सबका दिल जरूर जीत लिया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर बाएं हाथ से बल्लेबाजी भी करते हैं। हालांकि इस मुकाबले में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि उससे पहले ही मुंबई इंडियंस मुकाबला जीत गई थी। अर्जुन तेंदुलकर के लिए युवराज सिंह से लेकर सौरभ गांगुली पिता सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए उन्हें आगे के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सालों इंतजार के बाद जब अर्जुन तेंदुलकर को पहली बार मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने का मौका मिला तो पिता सचिन तेंदुलकर भी काफी भावुक नजर आ रहे थे। वहीं दोस्तों मुकाबले के बाद अर्जुन तेंदुलकर ने पिता सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा, पहली बार मुझे खेलने का मौका मिला, प्लेइंग 11 का हिस्सा बनकर सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सपना सच होने जैसा है। मेरा ड्रीम है इंडियन टीम के लिए खेलना और ये एक मेरे लिए शानदार जरिया है। मैं यहाँ से बेहतरीन प्रदर्शन करके इंडियन टीम में अपने लिए रास्ता बनाऊंगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रोहित भाई का, उन्होंने मुझे काफी कुछ सिखाया है, उनकी सीख आज मेरे काम आ रही है। मुझे बस मेहनत करते रहना था, मुझे पता था कि एक न एक दिन मुझे मौका मिलेगा ही। पापा की एक बात याद आ रही है, उन्होंने हमेशा यही बोला है कि बस अपने गेम पर फोकस करो और अपने गेम से प्यार करो। मैंने वही किया और आगे करता रहूंगा। दोस्तों पहली बार मुंबई इंडियंस की टीम में मौका मिला तो अर्जुन तेंदुलकर काफी इमोशनल नजर आए। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है उससे साफ समझ में आ रहा है कि अर्जुन तेंदुलकर अब आगे और भी ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, अर्जुन तेंदुलकर को अगले मुकाबले में भी खेलने का मौका मिलना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।